प्लान हो गया चेंज और अभी आ गया हमारे पास स्पेशल मसाला डोसा। मिल गए इनके व्यूअर्स, बात कर रहे थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग ना एकदम परेशान हो गए हैं, रात को सोए नहीं हैं। इसके पीछे रीजन है ये, इनका तबीयत बिल्कुल ख़राब है और बुखार से हलफ रहे हैं। अभी इनको दिए थोड़ा सा खाने के लिए, तो खा भी रहे हैं। रूबी भी तैयार हो रहे हैं क्योंकि गुड मॉर्निंग दोस्तों। नहीं उतना भी मतलब नहीं, क्या कीजिएगा, छोटे से बेबी है तो तंग करेंगे। कल बारिश हुआ था और उसे मिट्टी में गिंस दिया, खेलने लगा, उसमें इसको थोड़ा सा फीवर आ गया और रात भर फीवर आया, दवा दिए, फिर भी अब वही हाल है। तो फिर बस लेकिन थोड़ा सा बुखार है, इसको मैं लग रहा है कि बढ़ न जाए, दिखाना बहुत जरूरी है। आपको दवा चल रहा था पर फिर भी एक बार जहाँ हम लोग पहले दिखाते हैं वहाँ वो ट्रस्टेड होता है हमको, तो ये भी नींद आ रहा है इनको। ऐसे नहीं कि बीच रास्ते में सो जाएंगे तो फिर अकेले संभाल नहीं पाएंगे, तो सोच रहे हम भी बाबू थोड़ा सा भी घुमा देंगे, अच्छा भी लगेगा, हल्का धूप भी निकल गया है। तो इसलिए हम सुबह सुबह तैयार हो गए हैं और बिना कुछ बनाए खाया जो निकलना पड़ रहा है हम लोग को। और इनका ठंड भी शुरू हो गया, पता है क्यों? क्योंकि सर्दी जो हुआ है ना, सर्दी से खिला गए हैं। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं किचन में और अभी चाय बना रहे थे हम, क्योंकि कुछ पी लेते हैं, क्योंकि वहां जाने के बाद पता नहीं बाबू कितना लेट लगेगा डॉक्टर के पास, क्योंकि वो बहुत मतलब बड़ा डॉक्टर है वो, इसलिए वहाँ टाइम ज्यादा लगता है। तो इधर देखिए आज तसला में ही चाय बना दिए हम, क्योंकि इसी में दूध था ना, तो इसी में फटाफट चाय बना दिए। तभी जा रहे हैं, देखते हैं चाय बिस्किट थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, और बाबू को अभी डोगे पापा कुछ ना कुछ खिला रहे हैं क्योंकि जरूरी भी है। नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं क्या बेटा? नहीं खिला रहा, सुनो नहीं खा रहे, जानते इनको बुखार से नहीं अच्छा लग रहा है जी। और ये देखिए क्या करेंगे, रात का बचा हुआ था वही रोटी खाए जा रहे हैं, क्योंकि बनाने में बहुत टाइम लगेगा, सोचिए फिर वहां जाएंगे पहले दिखवा लेंगे। और देखिए बाबू क्या खा रहे हैं, जो पूरा मुंह तीता लग रहा है ना, इसलिए झिनिया खा रहा है। और उधर मेरा छोटा वाला, इसको भी पूरा सब कपड़ा सारा फ्रेश सारा चेंज कर दिए। हाँ गल्लू, हाँ गल्लू, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, हो सकता है हम नहीं भी जा पाए। और भी टेंशन इस बात का है कि बाबू का नींद आ रहा है, तुरंत सो जाएगा तो भी परेशानी हो जाएगा। रात की कोठो कोई नहीं सोए है, ना तो हम सोए हैं, ना डू के पापा सोए हैं और ना बाबू सोए हैं, क्योंकि उसको थोड़ा फीवर आ रहा था, फिर दवा दिए, उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, उसके बाद फिर फीवर आ गया, तो फिर रात में दो बार दवा दिए हैं फीवर को, उसके बाद थोड़ा सा एक घंटा सोया, तो हम लोग थोड़ा सा एक घंटा आराम किए। और आज हम लोग इतना लेट से उठे हैं ना बाबू के चक्कर में, अब ये तो सोए ही नहीं, क्योंकि ये बोले कि नहीं हम अगर सो जाएंगे तो फिर वीडियो कटिंग वगैरह कौन करेगा, ठाकुर जी। और अभी तो जाना प्लान कैंसिल हो सकता है, क्योंकि अभी सुबह से हल्का हल्का धूप निकला था और देखिए ना अचानक से क्या मौसम हो गया से। अभी थोड़ा पहले से अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं बेटा, दे रहे गर्म पानी। देखिए कभी मौसम कभी चेंज हो रहा है, कभी ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है कि छोटा सा बेबी को लेकर जाएंगे तो कहीं रिक्स ना हो जाए, प्लस में है कि उसको छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते हैं, अकेले फैमिली क्या होता है फील करना वो मैं बहुत अच्छे से जान रही हूँ दोस्तों, पर क्या करूँ मजबूरी है। चाय ला देगी, अभी लेट होगा आपको ना, पहले हम पी लेते हैं, ला दे खाइएगा। तो सुधी पहले हम फटाफट से चाय हुए, और इतना ज्यादा गाना का गूंज हो रहा है चारों तरफ, अपना माता सरस्वती की जय जयकार हो रही है। नंबर ले लिए, 11 मिला है और ये यहाँ बैठा दिए, बाबू सो गया ना, और आगे चलो आगे चलो। अभी फिक्र है ना, मथम है, माथा में तालू में और दूर करना ढेर सारा तालू मिला है और एक खड़े हैं। मिल गए इनके व्यूअर्स, बात कर रहे थे। क्या हुआ, चलना है घर, अब हो गया ना? ये भी सो गया था, उठ गया अभी। चलो दोस्तों, हम लोग आ गए फाइनली रेस्टोरेंट में और लगी है जोरों की भूख, क्योंकि हम लोग कुछ घर में नाश्ता भी नहीं कर पाए थे। ऐसा भी हो गया है दोपहर का समय, घर पर जाएंगे बनाएंगे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, देखते हैं। प्राइस भी चेंज है नहीं, बड़ी दिन बाद हम लोग आ ही रहे हैं।
नहीं आए? आज लगता है ना दूधी भी खाने वाला है क्या? हाँ किसी को भी बैठा है, लेकिन अब क्या खाइएगा? क्या खाना है देख लो, अब हम तो मत बनेगा हम तो थोड़ा बहुत खा लिए थे, वो कुछ नहीं खाया तो जो नहीं खाया पहले वो देखे दे रहे कुछ कुछ चाहिए कुछ अट्टा दिमाग में दोस्तों फैमिली प्लान हो गया चेंज और अभी आ गया हमारे पास स्पेशल मसाला डोसा। खाने का प्लान था क्या? स्पेशल थाली खाना था लेकिन बोल रहे हैं कभी तैयार नहीं हो पाएगा, लेट लगेगा। मन नहीं कर रहा खाने के लिए, इसलिए बस थोड़ा कम खाएंगे। इनको तो कुछ देख के होता है ना कि खाने के लिए इच्छुक है ही नहीं, तो खा तो खा पालो। दोस्तों आते थे पूरा पैर हाथ धोकर, अभी हम ऊपर से कपड़ा भी चेंज नहीं किए हैं, बाबू को सारा खोल दिए हैं और डोम भाई पूरा चेंज कर दिए और बाबू को तो कहीं निकाले ही नहीं थे, तो यहाँ पे देखिए मस्ती कर रहे हैं। हाँ गल्लू, हाँ बेटा। और अभी हम खाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि कुछ भी वहाँ थोड़ा सा हम तो खाए नहीं क्योंकि वहाँ पे चावल वाला था तो ज़्यादा नहीं खाना मुझे, और फिर फ्रेशली भी मिक्स रहता है इसलिए हम नहीं खा पाए उसको, बहुत जोर का भूख लगा था, तभी हम चावल चढ़ाए हैं, अभी जाएंगे सब्जी बनाएंगे। और इधर देखिए बुखार आ गया, इनको दवा दे रहे हैं। गिर लो बेटा, छोड़ देना, पापा देंगे दवा। हम दे रहे हैं आपको, बाबू को ढेर सारा दवा मिला है तो अभी वही दे रहे हैं दवा। दवा जो है ना इनका बार बार प्रॉब्लम हो जा रहा है, मौसम जो चेंज हो रहा है इसके चलते तो इनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है, इन्फेक्शन जान ही रहे हैं कैसा जल्दी ठीक नहीं होता है, खुल नहीं रहा यार, ऐसा पैक है खुले तक रखना एकदम। मेरा आवाज अजीब हो गया, सुबह से भाग दौड़ का हो जाता है ना पूरा लाइट प्लस में ये वीकनेस भी ज्यादा है तो खुला है ही। दे रहे चक्कू दे क्या रुके, दे रहे चक्कू मिलाना तो है उसमें रुके, दे रहे हैं। देखिए आते आते हम चढ़ा दिए चावल, एक तरफ भी दूध आया था तो बगल वाली भाभी दूध को रखे हुए थे तो अभी वहां से जाकर लेकर आए हैं, और आते वक्त ना ये सुबह में प्रसाद के रूप में वहां पे हम लोग को जो रखते हैं ना वो प्रसाद के रूप में दिए हैं, तो ये कोई केला तो भी कोई खाएगा नहीं क्योंकि ठंडा भी है प्लस में डोबो के पापा का भी सर्दी अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। और देखिए सारा बर्तन ऐसे बेसिन में छोड़ के हम जल्दबाजी में निकल गए थे क्योंकि इतना जल्दी गए थे फिर भी इतना ज्यादा लेट हो गया, देखिए 3:15 बज गया है। सब दवा उल्टा पलटा कर रहा है। नहीं बेटा बदमाशी नहीं कीजिए, हम वो छोटे वाले को भी देना है दवा दोपहर का, हम दे रहे हैं उनको, ठीक है। अच्छा मिलाने वाला है जी, अच्छी है ना एंटीबायोटिक है ना। क्या आलू का सब्जी बना देना, बाव भी खा लेगा है ना, ये सब्जी भी नहीं है, सोचे थे सब्जी मंगाएंगे लेकिन बाबू अचानक इतना पड़ गया ना कि सब्जी वगैरह कुछ नहीं मंगा पाए। हमारे घर में अभी खाना बन रहा है, आलू फ्राई हो रहा है, उसके पहले ये देखिए सोयाबीन उबाल के और मतलब कि भूंज कर रख दिए हैं, हमारे घर में भी ऐसा ही स्थिति, हमारे घर कोई सब्जी नहीं है, सोचे थे कि ले आएंगे आज के डेट में लेकिन आज ऐसा हो गया कि हम लोग घर पर रहे नहीं, चल गए बाहर निकलाने के लिए, दो दिन से तो बारिश हो रहा था, बारिश की वजह से निकल नहीं पा रहे थे। देखो सारा बटुआ खाली है, पत्ता का भी छोटा सा वो भी सूख गया, तो देखते हैं समय मिलेगा तो कल अब लाया जाएगा साग सब्जी, वही नहीं होने वाला है, बहुत जोरों का भूख लगा है।
आज ऐसा हो गया कि इनको सब तरह से भूख है, घर में ही रह गए, होटल में भी नहीं खा पाए, रात को भी नहीं खाए, तो वही जो आपने ब्लैक डॉग का बोलते हैं वही खाए, तो वही खाए, सुबह हो गया, सुबह से शाम हो गया। क्या करें, कभी नसीब ऐसा होता है कि सब कुछ रहने के बाद भी कुछ नहीं है। चलिए खैर, हम तो रास्ता कर लेते भैया, क्योंकि हमें दवा खाना था, हमको याद ही नहीं था कि उसमें ना सारा अथी रहता है, फर्श बीन रहता है, तो मसाला डोसा इसलिए नहीं खा रहे थे, फर्श बीन रहता है, सब चीज जो बाटर चीज है ना, इनका दिक्कत हो सकता है, इसी वजह से बाद में बोले आपको समझाया तो समझ गए। और वो भी सब्जी था, सांभर था, उसे ठंडा था, कद्दू बाबू को तो बहुत परहेज करना पड़ता है, बस हो ही गए हैं, आज उस वाली से घर जाएंगे तो खाना ना बनाएंगे, फिर कुछ खाए भी नहीं बाहर में। दोस्तों हो गई शाम, और अभी जो है कुकू हमारे गोदी में मस्ती कर रहे हैं, और दूसरे तरफ में दुगु कर रहे हैं मम्मी के साथ मस्ती, और बीच में यहाँ पर कढ़ाई में आगे लगा दिए हैं, थोड़ा सा मतलब जोड़ दिए हैं आगे, और तेल गरम करके दुगु साहब का सेवा करेंगे। अरे बुखार बाबू को नहीं है, तेल नहीं लगा चाहिए बुखार में ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं यार, पूरी खांस रहा है जी, थोड़ा सा ली कर दे रहे हैं बाबू, चीकू को दीजिए। ठीक, ये देखिए हल्का सा आगे है, सेक दे रहे हैं जी, सेकने से आराम मिलेगा बाबू को ना, ज्यादा गर्म हो गया। रूबी कुछ ना कुछ देसी जुगाड़ करते रहते हैं, क्योंकि बेबी अगर है और देसी जुगाड़ नहीं पता है ना, तो बहुत तरह की दिक्कत होता है। आगे यही बोल रहे हैं, आगे बदमाशी अब छोटे वाले बड़े हो गए, पता है आपको, ये बढ़िया से गोदी में जाते हैं, उछल कूद जैसे कि नीचे उतरना है, वो गुजरना है स्टेप में, ज्यादा नहीं लाए, हल्का तेल लगा दे रहे हैं, आराम मिलेगा ना, तो भिक्स है ना, कहीं लगाते हैं बाबू, दवा चल रहा है तभी भिक्स लगाइएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं,